अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वलीद है और आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक ऑफ लीनियर मोशन के अंदर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, हमने सबसे पहले इस चैप्टर की जो थ्योरी थी मोशन और रेस्ट और सब चीजें पढ़ी है, उसके बाद हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ी है। आज के लेक्चर में आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा ये देखें आप कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली है क्या, आपके पास अपने चीज प्रूफ करनी है। सही है, वो मैं यहाँ लिख दूँ ताकि आपको आसानी हो, थोड़ा सा याद रहे कि हमने प्रूफ क्या करना है। एस इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT square, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक है ना, अब ये देखें तो अब हमारे पास क्या है, इफ अ बॉडी मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ VI, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, VI की। ठीक है ना, अगर मतलब बॉडी हमारी है, कोई भी गाड़ी है हमारे पास, ठीक है ना, मूव करती है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने VI कंसीडर की। ट्रेवल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ये क्या है कि उसकी वेलोसिटी क्या है, उसके जो एक्सेलरेशन है चेंजेस नहीं आ रही है। ठीक है ना, उसकी जो एक्सेलरेशन है उसका इंटरवल ऑफ टाइम है वो सेम है, उनकी चेंजेस जो है वो सेम टाइम से आ रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड के लिए टी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी बाय द बॉडी इन दिस टाइम इज एस, डिस्टेंस जो कवर किया उसको हमने एस कह दिया। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, वी एस हो गई। अच्छा ये देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास ये देखें कि आप के एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि वेलोसिटी की इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है वो सेम उस पे हो रहा है। ठीक है, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो उसके चेंजेस भी जो है वो हमारे पास एवरेजली ही आएंगे, तो हम यहाँ पे वेलोसिटी क्या लेंगे, एवरेज वेलोसिटी कंसीडर करके हम इसको यहां शुरू करते हैं। वी ए वी इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू। सही है, वी आई इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन टू, ये एवरेज वेलोसिटी है। अच्छा डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, एस इज इक्वल टू वी टी, यहां पे एवरेज वेलोसिटी था तो इसको हम ये कर देंगे, एस इज इक्वल टू वी ए वी टी। सही है, एवरेज वेलोसिटी जहां पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ अपॉन टू, और ये T हमारे पास वैसे ही आ गया। अच्छा यहां तक मैंने क्या किया है, आप ये देख लें, यहां तक मैंने ये किया कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी, एवरेज वेलोसिटी को मैंने किया डिस्टेंस का फॉर्मूला उठाया, डिस्टेंस के अंदर हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है, तो हमने चूंकि हमारे पास यहाँ ऊपर जो वेलोसिटी चल रही है वो एवरेज वेलोसिटी को लेकर चल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे भी वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अब मैंने एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को पुट किया इसके अंदर, अब आगे से बात करते हैं। हमने अभी फर्स्ट एज We know first equation of motion. First equation of motion में हमने अभी पढ़ा था कि first equation of motion क्या है, Vf is equals to Vi plus At. ये हमने अभी first equation of motion पढ़ी है, Vf is equals to Vi plus At. तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां जो ये जो पूरी वैल्यू है Vf की इक्वल है, ठीक है, इसको यहां Vf के अंदर पुट कर लेता हूं। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ, जब पूरी वैल्यू पुट होगी तो क्या होगा, वी आई प्लस ए टी अपॉन टू, और टी हमारे पास वैसे ही आ गया। सही है, यहां तक की कंडीशन क्या हो गई कि मैंने क्या, मैंने वी एफ की वैल्यू को उठाया, यहां वी एफ की जगह वी एफ की वैल्यू पुट की, और ये पूरी कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो, यहां तक मैंने इस कंडीशन को सोल्व करके ले आया। अब मैं करूंगा, ये देखें, ये भी वी आई है, ये भी वी आई है, दोनों के वेरिएबल सेम है, कोएफिशिएंट को ऐड करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, कोएफिशिएंट ऐड होंगे, यहां भी कोएफिशिएंट वन, यहां भी कोएफिशिएंट वन, तो क्या जाएगा, एस इज इक्वल टू टू वी आई प्लस ए टी अपॉन टू। तो यहां तक हो गया, मैंने दोनों वी आई को ऐड करवा दिया। आगे चलते हैं, यहां से मैं इसको लॉक कर देता हूं थोड़ा सा, तो ये देखें यहां पे कर दिया। अब मैं इस टी को मल्टीप्लाई करवाऊंगा अंदर ब्रैकेट के साथ, तो ये टी ऑब्वियस है हमारे पास, यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां के भी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू टू वी आई टी
प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, मैंने ये टी इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, ये टी इससे भी मल्टीप्लाई हो गया, तो यहां पे टी नहीं मौजूद था तो वन से मल्टीप्लाई हो गया, वो टी वैसे ही आ गया। ठीक है, यहां टी ऑलरेडी था तो बेस सेम पावर एड के फॉर्मूले से हमने उनकी पावर्स को ऐड कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि हमने यहां पे एलसीएम ब्रेक करवाएंगे बाय ब्रेकिंग एलसीएम, एलसीएम एस इज इक्वल टू टू वी आई टी अपॉन टू और प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। तो ये देखें क्या हो गया कि एस इज इक्वल टू टू वी आई टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। इस टू से ये टू मैंने कैंसिल कर दिया। देखिए यहां पे ये टू इस टू से नहीं काटते, अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि डायरेक्ट काट देते हैं सर यहां भी तो कट रहा है, नहीं यहां नहीं काटते, क्योंकि देखें यहां पे पूरी एक एक्सप्रेशन है और इसके नीचे ये टू मौजूद है जो पूरे एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, तो आप इसको यहां कट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको कट करने के लिए आपको प्लस को सेपरेट करना होगा, जिस तरह हम एलसीएम लेते हैं इनका एलसीएम लेंगे तो ये चीज बन जाएगी, इस तरह हमको इसको ब्रेक भी कर देते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपकी ब्रेकिंग भी बिल्कुल एलसीएम की सेम ही होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब इक्वेशन क्या बनती है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। आप इसको यहां पर कंसीडर कर लें, ये भी आपका आंसर है। ठीक है, या फिर आप इसको फर्दर इस तरह आपकी ऊपर इक्वेशन में आपको चाहिए आंसर, आप उस तरह लेना चाहते हैं तो ये यहां पर मैं आपको बता देता हूं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए ऐसा है ना, जिस तरह हम a से 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, a ही आएगा, इस तरह मैंने जब a t को भी 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो इक्वेशन यही बननी है। ठीक है, देखिए मैंने क्या, मैंने नंबर्स को अलग कर दिया और मैंने वेरिएबल्स को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन मुझे कंप्लीट हो चुकी है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आई होगी। ठीक है, इसमें कोई अगर प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू हो तो मैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने पिछली क्लास का लिंक रख दिया है, आप चाहें तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं।